हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज हम NONC के बारे में जानने वाले हैं। NONC एक जो इलेक्ट्रिकल कोई भी जो कंपोनेंट में जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ये वाला जो वर्ड सुना होगा आपने NONC, NO नॉर्मली ओपन, NC नॉर्मली क्लोज। बट मैं जैसे कि बहुत सारा जो टेक्नीशियन को जो न्यू बिगिनर को देख रहा हूँ, ये लोग NONC को उसका जो वर्ड का मीनिंग समझ के उसको वायरिंग करने में रॉन्ग कर लेते हैं। ये वाला जो NONC बहुत सारा जो बिगिनर को डाउट क्यों होता है, जैसे कि NCA एक जो NO होता है नॉर्मली क्लोज, जैसे कि नॉर्मली क्लोज आदमी लोग जो क्या समझ लेते हैं, क्लोज्ड है ये वाला चीज़, क्लोज है ये वाला चीज़, ओपन है। जैसे कि क्या हो जाता है, क्लोज का मतलब इसमें से जो अपना जो पावर पास नहीं होता है बोल के आदमी लोग सोच लेते हैं, ओपन मतलब इसमें से पावर जाता है बोल के आदमी लोग सोच लेते हैं, क्योंकि इसका जो वर्ड का मीनिंग हम लोग जो समझ ले तो अभी जो NC है आदमी लोग क्या था, नॉर्मली क्लोज मतलब डोर क्लोज, ऐसा मैं एग्जांपल में बोल सकता हूँ, डोर क्लोज डोर ओपन क्या समझ लेते हैं, डोर क्लोज का मतलब जा नहीं सकते हम, डोर ओपन मतलब हम जा सकते हैं। बट जो टेक्निकली NC का मतलब और जो NO का मतलब, क्लोज का मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज, NO का मतलब कॉन्टैक्ट ओपन। ये जो हम वर्ड का मीनिंग नहीं समझना चाहिए, वर्ड का मीनिंग क्लोज मतलब क्लोज हो जाते है, ओपन मतलब ओपन हो जाते है। इसलिए NO मतलब ओपन है, हमारा जो कॉन्टैक्ट जो इसका अंदर जो अपना मैं अभी NO ये वाला NC होता है, ये वाला NO होता है, NO होता है, इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर प्लेट्स होते हैं, वो नॉर्मली ओपन रहता है, मतलब जो उसका जो कॉन्टैक्ट प्लेट है टच नहीं रहता, ऐसा गैप रहता है, ये वाला नॉर्मली ओपन, इसमें से पावर आपका बिजली इधर से आता होगा इधर से जाता नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन इस पोजीशन को, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरफ, इधर से पावर आएगा इधर से पावर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका बीच में टच नहीं, ये वाला ओपन है। अब जो NC का मतलब ये वाला क्लोज है, मतलब पावर इधर से जा रहा है इधर से निकल रहा है, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज होता है, क्लोज का मतलब है पावर जाता है आगे, ओपन का मतलब पावर आगे नहीं जाता है। सो वर्ड का मतलब नहीं समझना चाहिए, क्लोज मतलब पावर इसमें से जाता है आगे जाता है, ओपन का मतलब पावर आगे नहीं जाता है, यही इसका रियल जो मीनिंग है। जो बिगिनर ये बहुत सारा लोग इधर ही जो इसका जो मीनिंग को समझ के ना इसको गलती समझ लेते, क्लोज मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज है, ओपन मतलब कॉन्टैक्ट ओपन है। अभी मैं जो हमारे पास जो नॉर्मली ओपन वाला स्विच है, नॉर्मली ओपन स्विच कभी भी ग्रीन कलर में रहते और इसके पीछे जो नॉर्मली ओपन लिखा भी रहता है, नॉर्मली ओपन ये तो एक जो पुश बटन है, पुश बटन मतलब ये जो स्विच का जैसा, मतलब एक बार पुश करेगा तो फिर रिटर्न आएगा, मतलब अभी जो ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में मैं अभी पुश करेगा नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, फिर छोड़ेगा तो फिर आके नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये वाला जो स्टॉप स्विच है, ये जो रेड कलर के इंडिकेटर में रहते ये वाला नॉर्मली क्लोज पोजीशन, अभी ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज मतलब कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड है, इस इधर से पावर देगा तो इधर से पावर जाता है, नॉर्मली क्लोज का मतलब जब ये पुश करेगा ये नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट से वो नॉर्मली ओपन हो जाए, ये वाला पुश करेगा ये पॉइंट्स ओपन हो जाते, ओपन मतलब इधर से जो पावर आता है ये इधर से पावर जाएगा नहीं, इसमें नॉर्मल पोजिशन में ओपन है, मतलब नॉर्मल में इधर से पावर जो आएगा इधर से नहीं जाता है, हम जब इसको पुश करेगा उसी टाइम इधर से इधर पावर निकल जाता है। ये वाला जो वर्ड है NONC, अभी जो स्विच में देख लिया आप, इसमें भी NONC लिखा हुआ है, इसमें भी सेम का वर्ड का मतलब यही है, क्लोज का मतलब पावर जाता है, ओपन का मतलब पावर नहीं जाता है। अभी सेम वर्ड आप कॉन्टैक्टर में भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्टर में भी आपको सेम वर्ड मिलेगा, इधर नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज नॉर्मली क्लोज, इसका मतलब इधर भी सेम है, अभी जो NC और NC पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज है, इधर से पावर देगा तो इधर से पावर जाता है, ओपन का मतलब इधर से पावर देगा इधर से पावर नहीं जाता है। सो
कोई भी स्विच में है जो NONC है, कॉन्टेक्टर में NONC है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स जैसे कि ओवरलोड देख सकते हैं आप, इसमें भी NC NC NO NO लिखा हुआ है। NC इधर दो NC है जो 95 96, ये क्लोज्ड है, अंदर से क्लोज्ड है, नॉर्मल टाइम है, ये वाला नॉर्मल टाइम है, अंदर से ओपन है। क्लोज का मतलब क्या है, पावर इधर से देगा तो इधर जाना चाहिए, ओपन का मतलब इधर से पावर देगा तो इधर से नहीं जाना चाहिए। जब तक ये जो NC NO होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रिप होना चाहिए, ये NO NC होने के लिए ये कॉन्टैक्टर, ये ओवरलोड ट्रिप होना चाहिए। ये भी कॉन्टैक्टर NO पोजीशन NC होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्टर एक्टिवेट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट एक्टिवेट होकर अंदर चला जाना चाहिए, तभी जो NO वाला पॉइंट NC हो जाते हैं। ये वाला वर्ड टेक्निकल वर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क में ड्राइंग को आप आइडेंटिफाई, कोई भी आपको ड्राइंग देगा DOL इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग करना है, DOL का जो मोटर कनेक्शन करने का, स्टार डेल्टा मोटर कनेक्शन करने का, जो भी आपका जो टाइमर हो, हर जगह में NONC का वर्ड आपको आते रहेगा। ये बेसिक है, इसको समझना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं है। क्लोज का मतलब पावर इसमें से जाता है, ओपन का मतलब पावर इसमें से नहीं जाता है आगे, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन। क्योंकि ये आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो या कोई भी जो टेक्निकल फील्ड में, ये वाला वर्ड आपको बार बार आते रहेगा, सो इसको एक ध्यान से रखना चाहिए, ये वाला चीज़ भूलना नहीं चाहिए। और आपको चाहिए तो मैं अभी मीटर से भी इसको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते बोल के। अभी हम बजर में सेट कर ली, सेट करके चेक करते। अभी ये कौन सा है, ग्रीन कलर, नॉर्मली ओपन पॉइंट्स है। नॉर्मली ओपन पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, पावर नहीं जाना चाहिए, ओपन है, कॉन्टैक्ट्स ओपन, अंदर से ओपन है। ठीक है, हम देख लेते इसका एक एंड में और दूसरे एंड में जाके। कोई भी आपको मीटर में रेसिस्टर में कुछ चेंजेस नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये नॉर्मली अंदर से ओपन है, सही है, नॉर्मली ओपन। मैं अभी इसको पुश करेगा इधर से, ये नॉर्मली ओपन पोजिशन, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। अभी मीटर देख सकते आप, ये क्लोज हो गया क्योंकि हम पुश बटन प्रेस किया, अभी छोड़ देगा नॉर्मली ओपन हो गया, प्रेस करेगा नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। हर चीज़ में ऐसे ही, अभी जैसे कि देख सकते हैं ये वाला स्टॉप स्विच है, स्टॉप का मतलब NC, NC का मतलब क्लोज, क्लोज कौन सा है, कॉन्टैक्ट क्लोज। अभी इसमें देख सकते हैं, अभी ये दो पॉइंट में कनेक्ट करूँगा मैं, ये कनेक्ट करेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी देखिए मीटर अभी शो कर रहे, ये बटन नहीं दबाया हुआ, ये NC है, नॉर्मली अंदर से कॉन्टैक्ट ऑलरेडी क्लोज है, बटन दबाएगा कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, बटन छोड़ देगा फिर से क्लोज हो गया, ये नॉर्मली क्लोज है पुश बटन। हर जगह में आएगा, ओवरलोड में भी सेम है, NC दिखा रहे आपको, NC को चेक करेंगे, क्लोज है, इधर ओपन है, इधर से पावर, इधर पावर देगा इधर से जाता है, इधर पावर देगा इधर से नहीं जाता है। जब ट्रिप होने के बाद इधर से देगा तो इधर से जाता है, ये ट्रिप होने का इधर से इधर नहीं जाता है, ये ट्रिप होने के बाद जाता है। हर जगह में, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ऐसे ही आते हैं। इसमें भी NO भी ओपन है, NC क्लोज है, क्लोज का मतलब कॉन्टैक्ट ओपन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको NO NC के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो छोटा सा चीज़ है, बट ये हर चीज़ में आता है, ये बेसिक है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। आगे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल काम आएगा आपको आसानी होएगा, ये वाला डाउट नहीं रहेगा। तो क्योंकि बड़ा बड़ा ड्राइंग को आप ट्रेस करना है, कुछ उसमें माल फंक्शनिंग आ गया, कोई फॉल्ट्स आ गया, उसको ढूंढने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में NONC एक कॉमन वर्ड है, हर टाइम में हर जगह में रहते ये वाला डाउट आते रहेगा। इसलिए ये डाउट स्टार्टिंग से क्लियर है तो जो बिगिनर को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए।